अस्सलाम वालेकुम जी, ये है मैमूना मुस्लिम और मैं हूँ जगन्नाथ मतलब जाहिद हसन। और आज का व्लॉग बड़ा रैंडम सा व्लॉग है और छोटा सा व्लॉग है। आज 12 रबी अव्वल था तो कुछ खास शूट नहीं कर पाए हम, लेकिन जितना भी किया है वो आपके लिए अच्छा होगा। मेरी बहनों के लिए इन्होंने बताया है, एक बच्चों की स्मूदी बनाकर दिखाई है बड़ी मज़े की। और मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, आगे व्लॉग में चलकर देखेंगे कि मैंने उसके लिए क्या क्या टोटके किए। हर्बी चलिए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जुबान बोले जा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ। नहीं, आप में वो पावर नहीं है जो अगर आपका नाम मेमूना मुस्लिमा हो सकता है तो मेरा नाम मामून मुस्लिम हो सकता है कुछ भी कह रहे थे क्या है यार तो अच्छा, मैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए रेडी हुई थी तो ये मुझे वहां से पकड़ के ले आए हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ चलो, मेरा व्लॉग का जो है ना मैंने स्टार्ट करना है। तो ये कोई ट्रांजिशन वीडियो बनाने वाली थी, इनके लेंसेज अभी मैंने निकलवाए हैं। मैंने कहा निकालो, आपकी यहाँ की इरिटेशन हो जाएगी, इरिटेट करने लग जाएगी, यहाँ छोड़ दो ये काम। जिनके थे बुरे अंजाम छोड़ दो, वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। चले वीडियो देखते हैं। मैं बातों में लगा लिया यार, क्या आप ना आपको बातों में लगा लेती हो हर वक्त। ठीक है, मैं आपको डांट रहा हूँ। मैंने डांटदा सर नहीं, बस मेरी बातें सुना करें अब कर दो बंद। अच्छा बंद कर दिया। आप मेरे खिलाफ व्लॉग कर रही हो, मैं आपके खिलाफ करूंगा। हाँ, आप लोगों को बता रही हो कि ये खाने के लिए उठ के नहीं आ रहे। नहीं, मैंने तो शुरू ही अब की। अभी अभी मैंने देखा है, अभी आप रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो तो मैंने उमर को कहा, उमर हो गया। ये भी जो है ना, ये वाली बेगम साहब है ना, ये भी सुबह उठ कर नहीं आती नाश्ते पर, क्योंकि टांगे खींच खींच के लाना पड़ता है। प्लीज आ जाए, खा ले खा ले। उम्र इधर देखना, मेरे बच्चे पता नहीं कौन मेरी आत्मा उठती है जो उन्हें स्कूल छोड़ के आती है ना। आप जब सोए पड़े होते हैं, सारे सबूत और प्रूफ हैं मेरे पास। मैं नमाज पढ़ के सो, बस करें, चलो आए जाहिर फिर करते हैं। मैं आप बैठी यहाँ पे चेयर पे। अच्छा ये जो है ना, ये हैं जी कोर्टुमेज, इसको इंग्लिश नेम जो है वो मैं साथ में अटैच कर दूंगी। ये हम लोगों ने पूरी पेटी इस वक्त मंगवाई है, ये आपको सब्ज़ मंडी से आराम से मिल जाएगी। इनका उर्दू और पंजाबी नेम जो है वो कोर्टुमे है, ठीक है। ये सेबों की पेटी नहीं है भाई, कोर्टुमे इसके अंदर। और ये मिलते उसी सीज़न में है जब मतलब कपास वगैरह उठाई जाती है। अच्छा ये आप काम क्या करते हैं, जायद को हो गया था यूरिक एसिड जिसका लेवल काफ़ी अप था, मेडिसिन वो खा रहे थे लेकिन वो उससे जो था ना वो कंट्रोल कुछ कुछ हद तक हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी ये सारी बॉडी में और जोड़ों वगैरह में ना दर्द रहने लगा था। तो किसी ने हमें ये बताया था कि ये कोर्तुमे जो होते हैं ना, इसको कट करके इस तरह से छिलका पहले रिमूव करें, फिर इसको छोटे छोटे से इस तरह से कट कर लें, एक बर्तन लें परात वगैरह और उसके अंदर डालकर पाँव के साथ इसको अच्छे तरीके से मसल लें, ठीक है। मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आप मसल सकें, और उसके बाद इसके अंदर से झाग सी निकलने लगेगी और जो आपकी ज़ुबान है वो कड़वी सी आपको महसूस होने लगेगी। 3 से 4 दफ़ा ये काम आपने करना है, और एक दफ़ा ये जो हम यूज़ कर लेंगे उसको दोबारा फेंक देंगे, दोबारा रीयूज़ नहीं करना, नए सिरे से फिर नहीं काटेंगे और नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 से 4 दफ़ा इसको यूज़ करना है। अब आपने ना कुर्सी को पकड़ लेना है थोड़ा सा, मतलब पाँव इस पे से स्लिप होगा ना आपका, तो इसमें रख के पाँव अच्छे तरीके से मतलब इसको गूंदना है पाँव से इस तरह से, ठीक है। हाँ वही ना, इसलिए मैंने कहा कुर्सी पकड़ लें आप, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अगर आपको काम करते हुए भी इसको कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप पे मोबाइल पे यूज़ करते हुए, सोफे पे कुर्सी पे बैठ के भी आप इसको पैरों के साथ मसल सकते हैं। ये थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि सारे जो है ना वो झाग सी बनने लगेगी और पता नहीं कुछ इस तरह इसकी लेस लेस है, वो मेरे पाँव में मतलब लगने लगी। हाँ उलझन सी हो रही होगी थोड़ी सी। तो ये इस तरह से है। अभी जो इनकी टेबलेट्स वगैरह वो हमने बंद करवा दी है। अब मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसको गहरा बर्तन होता है ना, ये छोटा बर्तन है इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये परात हमारे इस्तेमाल की नहीं है, ठीक है। कोई आके अब ये ना कह दे किसी में आटा गूंद के खाओगे भाई, तो अब ये तो बाजार बस यही बना रहेगा कि हम उठा उठा के अंदर डालते रहें और आप इनको मसलते रहें। चलें ठीक है बाजी, बस ख़त्म कर दें और ना डालें, क्योंकि बर्तन छोटा है तो ये ज़्यादा होने की वजह से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और बाजी आपके हाथ जो है वो आप क्या कह रही थी, हाथ कड़वे हो गए? बहुत ज़्यादा कड़वे, मेरी ज़बान कड़वी हो गई। ये कड़वे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जो जिस चीज़ से आप काटे हैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से धो संवार कर फिर बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करें, वरना आपका खाना वगैरह या कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह फल काटेंगे तो वो कड़वे हो जाएंगे। ये मैं पहले आपको बता दूँ, ठीक है जी। अभी ये चलता रहेगा काम, ये खेल है। अच्छा जी, जब तक ये इसे मसलते हैं उस वक्त तक मैं आप लोगों को बच्चों के लिए एक मज़ेदार सी स्मूदी तैयार करके दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ।
शेक बना रही हूँ मैं अभी ना। ये पड़े जी हमारे बनाना और यहाँ पड़ी हुई है जी खजूर। तो अभी हम लोग बनाने लगे हैं शेक। कुछ चीज़ें अल्फा ने यहाँ पर लाकर रख दी, मशीन वगैरह रख दी है, अपने ये जो स्मूदी जिनमें पीते हैं ये बच्चे वो ला कर रख दिए, इन्हें धो दिया अल्फा ने। अल्फा थोड़ी सी हेल्प इतनी करवा देती है मेरे साथ, और मैं भी उसको कहती हूँ कि बच्चियाँ जो है ना वो थोड़ी बहुत साथ में लगी रहे ना तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद ये यहाँ पर जो इनकी स्मूदी बनेगी, तो अल्फा ने जो है खजूरें ये मैंने साफ करके रख ली थी, ये 8 से 10 खजूर होंगी। इसके बाद यहाँ पर पीनट बटर है मेरे पास, ये 1 चम्मच ऐड करूँगी और मिल्क ऐड करूँगी, फिर उसके बाद 4 से 5 बनाना ऐड करेंगे। ठीक है अल्फा, ठीक है उमर। और उमर ने अभी अभी उठते उठते ही ना यहाँ पे अपने चोट भी लगवा ली। ये जी हमारी थोड़ा उमर को थोड़ा सा अच्छा लगता है। उमर एक स्पून तो उठा कर दो वहां से, मैं ये पीनट बटर लाऊंगी अंदर। थोड़ी सी मतलब 1 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मीठी मीठी ही हैं। दूध वाली पतीली उठाई नहीं थी हम लोगों ने, उसके साथ मैं हो सके तो बच्चों के लिए बलाई भी ऐड कर देती हूँ, जितना भी दे सकते हो दे दे, क्योंकि वैसे बच्चे जो आम रूटीन में ना बलाई वगैरह खाते ही नहीं है, बड़ा तंग करते हैं। अच्छा जी, अब जाहिद जो है ना वो थोड़ी देर के लिए इनको मस लेंगे और फिर देखते हैं जाग बनती है कि नहीं। इसलिए हम लोगों ने 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड किया है, क्यों किया है आप बता सकती हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर खजूर डाली है ना, वो शेक नहीं होगी, चीव करना पड़ता है क्योंकि कभी कभार वो बहुत ज़्यादा सख्त, नहीं ये सख्त नहीं थी, ये सॉफ्ट ही थी, लेकिन ये जो आपके स्ट्रॉ है ना इसके अंदर वो फंस जाएगी तो फिर कैसे पिया जाएगा? हाँ, कॉमन सेंस। तो इसलिए इसको और एक बार ब्लेंड करेंगे। उमर प्रेस करो। उमर के हाथ में। अच्छा, यहाँ पे ना लड़ाइयाँ नहीं करनी आप लोगों ने, इसके अंदर ना दो दो आइसक्यूब डालो, जरा जल्दी काम किया करो। छोटा भाई है उसके, उसको दे दो आज। दोनों की बस यही लड़ाई रहती है, वो कहता है पर्पल मैं लूँगा और वो कहती है पर्पल मैं लूँगी, और हालांकि मुझे वाइट सबसे अच्छा लगता है, पता नहीं इनको क्या मसला है। पी लोगे ना सारा? इसको इसके अंदर वो करते हैं। हाँ जी, अब बच्चों ने पीना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बच्चे जो हैं ये इसको फिनिश करेंगे, फिर मैं इनको नहलाने भेजूंगी और उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और फिर मिलते हैं आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, जायद कर रहे हैं ये अपना काम, अपने मिशन पे लगे हुए हैं और मिशन इंशाल्लाह कंप्लीट होकर रहेगा। मेरे मुंह में अभी जायका कड़वा नहीं आया, अभी नहीं आया, पता नहीं ये कहा जा रहा था कि इसे 1.5 से 2 घंटे तक आपने ये वाला काम करते रहना, फिर आएगा जी। 1.5 से 2 घंटे मतलब आप बैठ भी सकते हैं चेयर पे, जैसे मैंने शुरू में बताया। हाँ, रिलैक्स भी हो सकते। अरे मैं समझा, बच्चे हैं ये, तो पार्सल है पार्सल। ये जी आमना ने मुझे इस काम पे लगा दिया, 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी झाग बना ली है। ये एक्सरसाइज हो रही है। हाँ जी, आमना आ जाएं आप? नहीं, हम गिर जाएंगे, आपके पाँव और भी गोरे हो जाएंगे, कोड़े कड़वे हो जाएंगे, कड़वे होके गोरे हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मजीद देखते हैं क्या बनता है। 10-15 मिनट और। हाँ, आप थक तो नहीं गए? थक तो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो फिसल रहे हैं और नीचे स्लिप हो रहे, लग रहे हैं पाँव को ना, उसके बीच थोड़े थोड़े चुभ रहे हैं। ये सारा जब झाग बन जाएगा सिर्फ बीज रह जाएंगे, उस वक्त आपने ख़त्म कर देना है। उस वक्त आपको दे दूंगा, आप खा लेना फिर। आए हाय, जन्नती हो जाएंगी मैं। अच्छा जी, मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं औरतों को प्रेस करते करते। आप ना कितने, ये मुकम्मल झाग बन चुकी है और बहुत ही फाइन क्वालिटी की, जैसे क्रीम नहीं होती कोई, ये झाग ना आने वाली। हाँ, ये बन चुकी है और ये जो अंदर फल था या सब्जी थी वो बिल्कुल ही मैश हो चुकी है। अब तो पाँव नहीं स्लिप हो रहा। अब कितनी देर लगेगी हमें? उन्होंने तो यही कहा है, जो लोग इस तजर्बे से गुजरे उन्होंने तो बस यही कहा है कि 1.5 से 2 घंटे तक आपने मुसलसल करना है, पानी इसी झाग के अंदर आपने अपने पाँव जो है ना वो डिप करके रखने। अच्छा, और अभी तक ये मैं बता दूं कि मेरे मुंह में कड़वाहट वगैरह नहीं आई। शायद इसीलिए ऐसे ही कहते होंगे कि देख देख के कड़वाहट आने लग जाएगी, आती नहीं होगी वो, देख देख के मतलब लगने लग जाता मतलब एक साइको हो जाता है, मतलब रिएक्शन है। ये
किया हुआ है, मुझे भी ऐसा ही लगा। और ये जो इतनी देर मतलब इसमें इस तरह करना है, ये एक्सरसाइज हो रही है और एक्सरसाइज की वजह से यूरिक एसिड चला जाता है। मेरा ख्याल है कि ये एक्सरसाइज का ही है मसला, शायद हो सकता है कि मूवमेंट होती रहती है। तीन चार दिन अब करके देखेंगे कि क्या बनता है। हमने पूरी पेटी मंगवा ली है, परेशान नहीं हो रहा। ये आई पड़ी पेटी, दिल खोल क्या। और ये फल कोई इस तरह का होता है, इस किस्म का है, खूबसूरत सा, जिस तरह चिबड़ नहीं होते चिबड़, उस तरह का ये फल होता है। उमर कह रहा था तरबूज हैं छोटे। अच्छा, ये जो औरतों की एक्सरसाइज करना था ना, बेसिकली ये है कि आपको वर्कआउट ही करना पड़ता है आपका, जब यूरिक एसिड बढ़ जाए या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, तो वो आपको यहीं पर कंज्यूम करना पड़ता है, जो भी कैलोरीज होती है वो यहीं पर कंज्यूम करनी पड़ती है। वो जो थी ना, वो एक टोटका था, काफी मशहूर है ये टोटका, मैंने पहले भी सुना था कि ये औरतों में लेके उन्हें ऐसे रख कर और मतलब उनको मैश करे पैरों से तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगा, मैं 4-5 दफा मैंने वो एक्सरसाइज की है, लेकिन उससे मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। बजाय इसके 1.5-2 घंटे जो है वो आप उनको मसल दे रहे, तो वो आपकी एक्सरसाइज ही हो रही है ना। सही है, उसके बहाने एक्सरसाइज। तो आप कोई भी अल्टरनेट मतलब तरीका एक्सरसाइज का निकाल सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब मैं नेचुरल तरीके से एक्सरसाइज करता हूँ, उसका बेसिकली कोई फायदा नहीं है। कहा जाता है कि कोर्टों में जो है ना, वो आप पाँव से मसलेंगे तो जायका आपकी जुबान में मतलब आ जाएगा, गले में महसूस होने लग जाएगा वो उसका कड़वापन, तो वो बिल्कुल महसूस नहीं होता। वो पता नहीं रूमर्स हैं या कह रही, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या था। मैंने तो काफी सारे कोर्टों में मंगवा के और जो है ना वो की एक्सरसाइज, लेकिन मुझे कोई खास फायदा नहीं। और आप यहाँ पे फास्ट हो गए। हाँ, जाहिर है वो मैंने अपनी माइलेज पूरी करनी है, टाइमिंग पूरी करनी है, तो ये मेरी डेली की रूटीन है। एक्सरसाइज भी कर रहा होता हूँ, सीढ़ियाँ स्टेयर्स भी चढ़ रहा होता हूँ, उतर रहा होता हूँ। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 30-35 स्टेयर्स हैं, जो मैं 15 मिनट के अंदर, जिस पर मैं 10 चक्कर मतलब लगा लेता हूँ बड़ी स्पीड के साथ, तो उसका मुझे बड़ा फायदा होता है वेट के हवाले से, यूरिक एसिड के हवाले से। और दूसरा, मैंने एक और टोटका यूज करना शुरू किया था यूरिक एसिड के हवाले से, कि अदरक जो है ना, अदरक के छोटे छोटे चंक्स लेकर सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ मैं निकल लेता था, और कभी कभी लहसुन भी, छोटे छोटे जगह जो होते हैं ना उसके, ये मिलाकर, ये नेचुरल चीजें, इनका बड़ा फायदा होता है। लेकिन मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, नहीं नहीं आपने बिल्कुल नहीं करना। आप अपने, हो सकता है किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसको नुकसान दे हो सकता है। हाँ, आप अपने डॉक्टर से या अपने हकीम से रिजू करें, मैं अपनी सिर्फ मतलब जस्ट शेयर कर रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा। सही तो है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। बाय। अब कितनी देर करेंगे आप ये, कितनी टाइमिंग है आपकी? मैं तकरीबन ये 30-45 मिनट शाम को, और दिन में तकरीबन 30 मिनट। ठीक है, इससे आपको काफी फर्क पड़ा? हाँ, इससे मतलब एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है। सही तो है। मतलब काफी अच्छा है ये। चलो सही है, थैंक यू, टाटा बाय बाय।